नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय पे हमारी सोयाबीन कहीं एक महीने की हो गई है, कहीं तीन सप्ताह की हो गई है, और इसका मतलब विभिन्न समय में बोनी करने के कारण अलग अलग समय पे अपनी स्थिति बनी हुई है। पिछले सप्ताह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई जिलों से लगातार बारिश की खबरें मिली है। इस संबंध में आपको सूचित करना है कि अपने खेत में अधिक समय तक जलभराव की स्थिति नहीं रहने दें। इसका मतलब आपको पानी के निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ऐसे किसान जिनकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई है और उन्होंने अभी तक सोयाबीन की फसल में किसी प्रकार के खरपतवार नाशक का छिड़काव नहीं किया है, तो ये समय आपको खड़ी फसल में जो अनुशंसित खरपतवार नाशक है उसमें से कोई एक ले लें और इसका अपनी फसल पर छिड़काव कर लें खरपतवार नियंत्रण के लिए। ध्यान रखें कि अगर आप नैपसैक स्प्रेयर से इसका छिड़काव करते हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टर मात्रा लें, और पावर स्प्रेयर से करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से दवाई के साथ में आप पानी की मात्रा ले सकते हैं। अगली बात, यदि आपने सोयाबीन की बोनी करते समय खरपतवार नियंत्रण के लिए बोनी पूर्व उपयोगी जो खरपतवार नाशक है या बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक है, इनमें से किसी भी प्रकार के खरपतवार नाशक का छिड़काव किया है, तो अभी आपको खड़ी फसल में उपयोगी किसी खरपतवार नाशक का छिड़काव नहीं करना है। इसका मतलब आप डोरा या कुलपा चला के खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं। ये समय ऐसे भी उपयुक्त है कि अगर आप खरपतवार नाशक का छिड़काव करना चाहते हैं और इसी समय पर आपको जो कुछ अनुशंसित कीटनाशक है उसको मिला के भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपका खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ कीट नियंत्रण के भी उपाय योजना हो जाएगी। तो उसके लिए इस समय पे आपको तीन कीटनाशकों की सूची अपने स्क्रीन पे दी जा रही है, क्लोरएंट्रानिलीप्रोल, क्विनालफॉस और इंडोक्सापार। इसके साथ साथ दो खरपतवार नाशक जो कि अनुशंसित है, इमेजेतापायर और क्विजालोपाप इथाइल, ये दोनों में से और तीन कीटनाशकों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं और इनका मिला के संयोजन करके आप छिड़काव करें तो दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे। किसान भाइयों, जहाँ पर आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई है तो पत्ती खाने वाले जो कीड़े अभी अपने फसल पे अगर आते हैं उसके नियंत्रण के लिए सुरक्षात्मक रूप से आपको सलाह है कि क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से अपने फसल पे छिड़काव कर ले। इससे क्या होगा, अगले एक महीने तक पत्ती खाने वाले कीड़ों से अपनी फसल सुरक्षित बनी रहेगी। अगली बात, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में तना मक्खी का प्रकोप होने की सूचना या लक्षण देखे गए हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि एक पूर्व मिश्रित कीटनाशक आता है, थायमेथॉक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन, तो इसकी जो है 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर अनुशंसित मात्रा है, इससे आप छिड़काव कर लें। ध्यान रखें कि आप छिड़काव करते हैं पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप नैपसैक स्प्रेयर से करते हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टर और पावर स्प्रेयर से करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर, चाहे आप वो खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हो या कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हो। किसान भाइयों, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा गया है, जो कि ये पत्ती खाने वाली इल्ली है, और इसके नियंत्रण के लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं और उनकी मात्रा है इस समय पे आपको स्क्रीन पे दी जा रही है। इससे एक फ़ायदा यह होगा कि तंबाकू की इल्ली का प्रकोप है उसके साथ साथ जो दूसरे जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ हैं जैसे कि चने की इल्ली या सेमिलूपर इल्ली, तो यदि इनमें से किसी एक दवाई का छिड़काव आप करते हैं तो तीनों प्रकार के जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ हैं उनका भी नियंत्रण एक साथ होगा। तो आपको इसमें से कोई भी एक दवा लेना है उसका छिड़काव करना है। और अंतिम बात इस सप्ताह आपके लिए बताना चाहूँगा कि कुछ क्षेत्रों में एक राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नामक रोग का प्रकोप प्रारंभ होने की सूचना मिली है, और उसके नियंत्रण के लिए आपको यह करना है कि हेक्साकोनाजोल नाम की एक दवा आती है, इसकी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मात्रा मिला के अपनी फसल पर छिड़काव करना है, तो इस प्रकार से आप इसका रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। साथियों, एक विशेष सूचना आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।
अभी अभी कुछ किसानों से जो समाचार प्राप्त हुए हैं, उन्होंने क्या किया है कि खरपतवार नाशक और कीटनाशक, जो पहले से ही कॉम्बिनेशन कीटनाशक है, वो दो प्रकार के कॉम्बिनेशन कीटनाशक को मिला लेते हैं, उसमें ऊपर से खरपतवार नाशक के भी कॉम्बिनेशन मिला लेते हैं, और उसके बाद में और पूछते हैं कि सर ये और मिला है क्या उसमें। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे बिल्कुल ना करें। जब तक सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो आपको जानकारी देते हैं, हम अनुशंसा करते हैं, उसी की हम चर्चा करते हैं। उसके अलावा जो भी आप करते हैं उसके बारे में हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसके बारे में टेस्टिंग नहीं हो चुकी है। अभी खबर मिली है कि कुछ जगह पे सोयाबीन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा है, किसी की सोयाबीन खराब हो चुकी है, जल चुकी है ओवरडोज होने के कारण। तो कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी खरपतवार नाशक अनुशंसित किए गए हैं या कीटनाशक अनुशंसित किए गए हैं या कॉम्बिनेशन जिनकी अनुशंसा की गई उसी का अनुपालन करें, और जो स्प्रे करते हैं उस समय पे जो दवाई आती है उसका प्रॉपर डोज ले, कॉम्बिनेशन ले, ओवरडोज नहीं करें, जिससे कि आपकी फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़े। एक और चीज़ कि आप ये देखें कि आप जो वीडियो डालते हैं उस समय पे आप अपना नाम बताएं, आप कौन से ज़िले से हैं और कौन सी सीज़न का ये वीडियो है या फोटो है। कई बार आप लोग डाल देते और ये पता चलता कि ये पिछले साल का वीडियो है, तो ये दूसरे किसानों में इसके ऊपर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। फिर से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आप स्प्रे करते हैं तो पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें, जो कि आप इतनी महंगी दवाई डालते हैं तो उसका आपको लाभ मिल सके। एक और बात, जब आप जो कीटनाशक या खरपतवार नाशक या किसी भी प्रकार का रसायन क्रय करते हैं तो ऐसे दुकान से क्रय करें जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, उसका बिल अवश्य लें, और ये भी देखें कि जो आपको दवाई ले रहे हैं वो एक्सपायरी डेट से आगे की नहीं हो, यानी वो उसकी वैधता बनी हुई हो। धन्यवाद।